दिनों में नहीं पढ़ सकती हैं, तो वो कैसे इबादत करें फिर? हाँ देखिए, ख़वातीन को बास चीज़ें मना है, कुरान नहीं पढ़ेंगी, कुरान को नहीं छुएंगी, इबादत नमाज नहीं पढ़ेंगी, रोज़ा नहीं रखेंगी, मस्जिद में नहीं जाएंगी, दुरू शरीफ पढ़ना मना नहीं है, ठीक है ना, तस्बीहात पढ़ना मना नहीं है, कुरान की आयत नहीं पढ़ेंगी लेकिन तस्बीहात, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़ना मना नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि इन वक्तों के अंदर ये रात आ जाए या इन वक्तों में कोई ऐसा दिन आ जाए, तो आप एक इबादत जैसी शक्ल बना लें, मतलब मुसल्ला में जाकर बैठ जाएं और आप तस्बीहात पढ़ लीजिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर लीजिए, दुआएं कर लीजिए, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ लीजिए, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये तस्बीहात और दुरूद शरीफ ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, इनकी इजाज़त। ओके जी, बच्चों के लिए? बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, जो चाहें करें, उन्हें कोशिश करें कि अच्छी बातें उन्हें सिखाएं, नमाज पढ़ने की तरगीब दें, छोटी मोटी कोई तस्बीह पढ़ लें, बाकी बच्चों पे शरीयत का कलम नहीं चलता, ठीक है, उन पे कोई गुनाह का बार नहीं है, लेकिन उनको आदत दिला आदत बनाने ना, के लिए डालें, लेकिन वैसे कोई इशू नहीं है। बच्चों को कोई भी तस्बीह दे दीजिए, अल्लाह जो भी उसके मुंह से अच्छा निकल रहा है वो पढ़ने के लिए दे दीजिए, ताकि उसकी आदत बन जाए, बाकी उनके लिए कोई लाजिम नहीं।